हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास फोर्थ। ये आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है ग्रीन पाथवे। इसका चैप्टर नंबर 9 यानी कि टेस्टिंग एंड ईटिंग फूड, यानी खाने को टेस्ट करना, उसको खाना, उस बारे में हम पढ़ने वाले थे। और इसका वीडियो 1 आपको दिखा चुकी हूँ, जिसमें आपको मैंने ये पेज नंबर बता दिया था, जिसमें आपको बताया था कि जो टंग होती है हमारी, उसके अलग अलग पार्ट में अलग अलग टेस्ट होता है। जैसे कि सबसे आगे स्वीट यानी मीठा, फिर सॉल्टी यानी खारा, सॉर यानी खट्टा, और बीटर यानी कड़वा। और इसके नीचे एक्सरसाइज थी जिसमें आपको लिखना था कौन सी चीज़ का स्वाद यानी टेस्ट कैसा होता है। फिर हमने बात की थी टिथ की यानी कि दांतों की, कि वो हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इससे पता चला था हमें कि टिथ यानी दांत हमारे हैं, वो हमारी बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिससे हमारे फेस को एक प्रॉपर शेप मिलता है। अवर टिथ हेल्प अस इन बाइटिंग एंड च्यूइंग फूड, यानी हमारे खाने को काटने में और उसको चबाने में हमारी हेल्प करते हैं हमारे टिथ। द गुड दैट वी ईट कैन बी डाइजेस्ट प्रॉपरली ओनली वेन इट इज़ च्यूड वेल। टिथ हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली, यानी टिथ की वजह से ही बच्चे साफ बोल भी पाते हैं, और अच्छे चबाने की वजह से ही अच्छे से वो डाइजेस्ट भी होता है, यानी हजम भी होता है। और अभी हम पढ़ेंगे पेज नंबर 57, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चेंजिंग टिथ, टिथ का चेंज होना, टिथ चेंज कैसे होते हैं? आपने देखा होगा छोटे बच्चों के टिथ अलग होते हैं, यानी कि आप लोगों के टिथ अलग हैं, आपके पेरेंट्स के टिथ अलग हैं, उनका शेप अलग है, उनकी साइज़ अलग है, उनकी अगर आप उनको काउंट भी करोगे तो काउंटिंग भी अलग अलग आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में भी जान लो। अ न्यूली बोर्न बेबी, न्यूली बोर्न बेबी यानी कि अभी अभी जो जन्मा हुआ बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा, डज नॉट हैव एनी टिथ, उसके कोई दांत नहीं होता है। द फर्स्ट टूथ अपीयर्स इन अबाउट 5 मंथ्स, जब वो 5 महीने का होता है यानी 5 मंथ्स का, तब उसका फर्स्ट टिथ यानी कि फर्स्ट दांत उसका निकलना शुरू होता है या दिखने लगता है। बाय द एज ऑफ 6 द चाइल्ड हैज़ अ सेट ऑफ 24 टिथ, और जब बच्चा पूरे 6 साल का हो जाता है, 6 ईयर्स, तब उसके टोटल 24 टिथ आ जाते हैं यानी 24 दांत। दीज टिथ आर कॉल्ड मिल्क टिथ और टेम्परेरी टिथ, और इनको बोलते हैं दूध के दांत, क्या बोलते हैं? दूध के दांत, या फिर बोलते हैं टेम्परेरी टिथ, क्योंकि वो परमानेंट नहीं होते, हमेशा के लिए नहीं होते, वो कुछ सालों के लिए होते हैं, उसके बाद वो सड़ के गिर जाते हैं और उनकी जगह पर नए निकल जाते हैं। अब देखिए नो मोर में क्या है, दी एनामल ऑन द टॉप सरफेस ऑन योर टूथ इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ योर एंटायर बॉडी, यानी आपके टिथ का सबसे ऊपर वाला सरफेस वाला जो हिस्सा है, वो आपकी पूरी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट यानी सबसे सख्त, सबसे कठोर वाला पार्ट होता है। एट द एज ऑफ 7 यानी जब आप 7 साल के हो जाते हो, चाहे आप बच्चे हो या आपके कोई छोटा भाई बहन है, तो आप इस चीज़ को देख सकते हो। द चाइल्ड स्टार्ट्स लूजिंग दिस मिल्क टिथ, तो बच्चा धीरे धीरे अपने ये मिल्क टिथ खोने लग जाता है, उसके दांत गिरने लगते हैं। एज द मिल्क टिथ फॉल आउट न्यू टिथ ग्रो इन देयर प्लेस, और जैसे जैसे दूध के दांत गिरने लगते हैं, वैसे वैसे उसकी जगह पे नए दांत निकलने स्टार्ट होते हैं। दीज न्यू टिथ आर कॉल्ड परमानेंट टिथ, और इन नए दांतों को बोलते हैं परमानेंट टिथ। जनरली देयर आर 28 परमानेंट टिथ, वैसे तो 28 परमानेंट टिथ होते हैं, यानी हमेशा के लिए जो होते हैं। दूध के दांत जब टूट जाते हैं, उसकी जगह न्यू टिथ आते हैं, वो परमानेंट होते हैं। हम कितने भी बड़े हो जाएं, हमारे वही टिथ रहते हैं। लास्ट 4 टिथ कॉल्ड विजडम टिथ, यानी लास्ट के जो 4 टिथ होते हैं, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि हमारे दांत 32 होते हैं यानी 32, तो फिर अभी बुक में 28 क्यों बताया, तो उसमें 4 कम क्यों बताया? तो 4 कम इसलिए बताया क्योंकि 4 जो टिथ होते हैं, वो होते हैं हमारे विजडम टिथ। विजडम यानी बुद्धि का प्रतीक, बुद्धि वाले टिथ, जिनको हमारे यहाँ पे बोलते हैं अक्लदाढ़। क्या बोलते हैं? अक्लदाढ़। कम आउट बिटवीन द एज ऑफ 21 एंड 32, यानी 21 ईयर से लेके 32 तक की एज में ये 4 टिथ हमारे निकलते हैं। वैन वी लूज एनी टूथ वी डू नॉट गेट अ न्यू वन इन इट्स प्लेस, अगर इस बीच में यानी परमानेंट टिथ आने के बाद हमारा कोई दांत टूट जाए, तो उसकी जगह नया दांत नहीं आता है, ये बात आपको याद रखनी है। ओके, टाइप्स ऑफ टिथ, अब टिथ के टाइप भी अलग अलग तरह के होते हैं। अब देखिए कौन कौन से हैं,
हमारे ही जो टिथ हैं, जो 32 हो, चाहे 28 हो, या फिर चाहे आपके हो दूध के दांत, इसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। देखिए कौन से टिथ आर ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स। टिथ अलग अलग साइज के, अलग अलग शेप के होते हैं। दे हेल्प अस टू डू डिफरेंट थिंग्स, और ये हमारे अलग अलग काम में हेल्प करते हैं। देयर आर फोर काइंड्स ऑफ टिथ दैट हैव डिफरेंट फंक्शंस, यानी फोर काइंड्स, फोर टाइप्स के टिथ होते हैं हमारे पास, जिनके अलग अलग काम होते हैं। फर्स्ट हैं इंसीसर्स, फ्रंट टिथ आर कॉल्ड इंसीसर्स। सामने वाले दांत जो आपको अभी दिखाई दे रहे हैं, ये होते हैं इंसीसर्स। इंसीसर्स आर अ सेट ऑफ 8 टिथ, ये 8 दांतों का ग्रुप होता है। 8 टिथ यानी 8 दांतों का, जिसमें 4 आपको नीचे दिख रहे हैं और 4 ऊपर होते हैं। देयर आर 4 इंसीसर्स इन फ्रंट ऑफ इच जॉ, यानी सामने आपको दिखेंगे 4 ऊपर एंड 4 नीचे। दे हैव शार्प स्ट्रेट एजेस, दे आर यूज्ड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड। ये बहुत ही शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं, तीखे होते हैं, जिससे हम खाने को तोड़ते हैं, काटते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कटिंग टिथ, और इनको, इंसीसर्स को कटिंग टिथ भी बोलते हैं। अब आगे हैं कैनिनेस। अब देखिए कैनिनेस क्या है। शार्प टिथ ऑन द साइड आर कॉल्ड कैनिनेस। साइड में जो शार्प टिथ होते हैं, टू टू होते हैं, इस तरफ भी टू, उस तरफ भी टू, इधर भी टू एंड इधर भी टू, टोटल 8 टिथ हुए। कैनिनर्स आर अ सेट ऑफ 4 टिथ, सॉरी ये 4 टिथ होते हैं। देयर आर 2 कैनिनर्स इन इच जॉ, यानी वन इधर, वन इधर, वन इधर एंड वन इधर। दे आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द इंसीसर्स इन इच जॉ, यानी हर साइड में ये वन 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 एंड वन होता है। दे आर प्रेजेंट ऑन, सॉरी दे हेल्प अस इन टीयरिंग द फूड, फूड को फाड़ने में हमारी हेल्प करते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड टीयरिंग टिथ। अभी अभी आपको बताया जो फूड को काटते हैं, यानी इंसीसर्स, अभी अभी पढ़ा था हमने ऊपर, उनको कटिंग टिथ बोलते हैं, और कैनिनेस जो फूड को फाड़ते हैं वो होते हैं टीयरिंग टिथ, यानी टीयर करते हैं। अब है प्री मोलर्स। देखिए प्री मोलर्स क्या है, ये भी एक टिथ का ही टाइप है। दी ब्रॉड टिथ नेक्स्ट टू द कैनिनेस आर कॉल्ड प्री मोलर टिथ, यानी अभी जो हमने पढ़ा था कैनिनेस, उसके पास वाले ब्रॉड यानी चौड़े चौड़े जो दांत होते हैं, ये देखिए टू इधर, टू इधर, टू यहाँ पे और टू इसके नीचे, यानी टोटल 8 होते हैं। प्री मोलर्स आर अ सेट ऑफ 8 टिथ, इसमें 8 टिथ होते हैं, आपको अभी बताया मैंने। देयर आर 4 प्री मोलर्स इन इच जॉ, यानी ऊपर भी 4 होते हैं, दो इस साइड लेफ्ट एंड राइट, एंड नीचे भी 2 एंड 2, ओके टोटल 8 हो गए। फिर हैं दीज टिथ हेल्प अस इन क्रैकिंग फूड लाइक नट क्रैकर्स, यानी जैसे अगर कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही सख्त है, जो टूट नहीं रही है, जैसे बादाम या फिर और कोई किशमिश, उसको हम, सॉरी किशमिश नहीं, आपको बता दूं मैं, पिस्ता जो होते हैं, पिस्ताचो, उनको तोड़ने में, नट्स को तोड़ने में, या फिर जैसे मूंगफली, कुछ कड़क चीज़ें अगर आ जाती हैं उनको तोड़ने में हम यूज़ करते हैं इनको। दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्रैकिंग टिथ। अब सिंपल सी चीज़ें आपको याद रखनी है, क्या इंसीसर्स जो कट करने का काम करते हैं उनको कटिंग टिथ बोलते हैं, कैनिनेस जो टीयर करने का काम करते हैं उनको टीयरिंग टिथ बोलते हैं, प्री मोलर्स जो क्रैकिंग का काम करते हैं तो क्रैकिंग टिथ बोलते हैं, ओके। अब आपको आपका आज का होमवर्क मिलेगा। इससे पहले मैं आपको होमवर्क दूँ, आपको बता देती हूँ कि आपको आपके लास्ट वीडियो में मैंने होमवर्क दिया था, इसके न्यू वर्ड्स यानी इस चैप्टर में आपने जो भी पढ़ा वो इसके ही बेस पे आपको समझ में आ सकता है। अब है आज का होमवर्क, जो है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 न्यू वर्ड्स के नीचे ही करना है। अगर पेज में जगह है तो ठीक है, अगर नहीं है तो न्यू पेज ले सकते हो, और डेट भी लगानी है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, हाउ डज अवर टंग हेल्प टू टेस्ट फूड। हमारी जो टंग है, हमारी जो जीभ है, वो हमारा खाना टेस्ट करने में कैसे हेल्प करती है। तो दी सरफेस ऑफ द टंग हैज़ मैनी टेस्ट बर्ड्स। हमारी जो टंग की सरफेस होती है उस पर टेस्ट के बर्ड्स होते हैं बहुत सारे। द टेस्ट बर्ड्स हैव नर्व्स दैट टेल द ब्रेन वेदर द फूड इज स्वीट, सॉर, सॉल्टी और बीटर, जिससे हमको पता चलता है कि खाना मीठा है, कड़वा है, खारा है, तीखा है ना।
फिर है नंबर टू, वाई आर टिथ इम्पोर्टेंट फॉर अस, दांत हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है, इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या ज़रूरत है उनकी, अगर वो ना हो तो क्या होगा। तो आंसर है बिकॉज टिथ गिव प्रॉपर शेप टू अवर फेस। इसका मेन काम है कि हमारा जो फेस है, हमारा जो चेहरा है, उसको एक अच्छा शेप, एक प्रॉपर फेस का जो शेप होता है वो टिथ पे ही डिपेंड करता है। यानी अगर टिथ नहीं होंगे हमारे तो हमारा मुंह जो है वो पिचका हुआ दिखेगा। ओके, तो आज का होमवर्क याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। ओके, थैंक यू।